मस्त वाला लाइट लगा था, देख सकते हो पूरा टूट फूट गया है और नीचे में भी पोस्टर छप गया रोड के बारे में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मेरा मोबाइल ख़राब होते होते बचा है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं व्लॉग शूट कर रहा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मस्त मस्त वीडियो शूट किया हूँ मैं फ़ोन से, तो फ़ोन ख़राब होते होते बच गया फाइनली। और कल गाड़ी ख़राब हो गया तो मैं, अच्छा ठीक है, मैं अभी गाड़ी को बनाने के लिए दे दिया हूँ अपना, तो उसी के लिए अभी जा रहा हूँ मैं देखने के लिए बना है कि नहीं बना है। तो प्लीज़ व्लॉग पे बने रहना, बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं घर से निकल गया हूँ और अभी हूँ कॉलेज रोड में और पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि स्कूटी ख़राब हो गया है उस वजह से। और मौसम आज का बहुत ही अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, मस्त बादल ढका हुआ है और कॉलेज वाले बच्चे लोग स्कूल जा, क्या बोला तूने, और कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज जा रहे हैं मस्त। और कल से बारिश नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा, अगर जो भी बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फिर फाइनल ईयर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे लोग अगर कॉलेज रोड में आ रहे हैं और कॉलेज रोड की दशा देखेंगे ना, तो सोचें पड़ जाएंगे। और रोज़ किसी ना किसी का गाड़ी ख़राब हो सकता है गाइस, तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कैसे गाड़ी ख़राब होगा। और मेरा भी रोज़ का इधर से आना जाना रहता है कॉलेज रोड से, सुबह हो या फिर शाम इधर ही से आना जाना करते हैं और रोड पूरा ख़राब हो गया है। और मेरा स्कूटी का पीछे चक्का भी पंचर हो गया है, मेरे को लगता है कि इसी रास्ते की वजह से हुआ होगा। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। और कॉलेज रोड में सुंदर सा तालाब भी है, तालाब बहुत ही ज़्यादा भर चुका है, दिखाते हैं आप लोग को। ये है कॉलेज रोड का तालाब जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही मस्त भर चुका है, देख सकते हो आप। इस तरफ साफ़ सफाई नहीं हुआ है। तो गाइस, तालाब दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, बहुत ही सुंदर तालाब। तो गाइस, जो भी कॉलेज वाले स्टूडेंट आएंगे, पहले रोड की दशा देख लीजिए कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है बारिश के वजह से, पूरा उखड़ चुका है। और मेरा भी रोज़ का इधर से आना जाना रहता है, रोज़ गाड़ी पंचर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, पूरा गड्ढे हो गए हैं रोड में। ये देखिए, पूरी कॉलेज रोड के सत्यानाश हो गया है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। सो फ्रेंड्स, पीछे तरफ देखिए, रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उस वजह से मेरा गाड़ी भी पंचर हो गया पीछे चक्का। तो मैं अभी गाड़ी ही बनाने के लिए अपना दिया हूँ, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं कॉलेज वाले बच्चे से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो धीरे धीरे ही अपनी बाइक चलाएं, अगर स्पीड चलाओगे तो गड्ढा वड्ढा है, गिर भी सकते हो आप और एक्सीडेंट हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो गया है रोड। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। और मैं आज आप लोग को कॉलेज रोड का भी थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से दिखाते हैं। और गाइस, इस तरफ मस्त वाला लाइट लगा था, देख सकते हो इन पूरा टूट फूट गया है और नीचे में भी पोस्टर छप गया है रोड के बारे में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइस, चलिए आगे चलते हैं और अपने शोरूम तरफ चलते हैं। और हाईवे रोड बाहर बाहर ही बना हुआ है, सिटी के अंदर अभी तक नहीं बना है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो गया। और गाइस, स्कूटी ख़राब होने की वजह से दीदी भी ड्यूटी बस से गई है आज, वैसे तो वो रोज़ स्कूटी में जाती है, तो स्कूटी ख़राब होने की वजह से बस में गई है आज। तो स्कूटी को आज जल्दी से बनवा लेते हैं, वरना नहीं बनेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस, जल्दी से जल्दी बन जाए वही अच्छी बात है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं जहां पर स्कूटी बनाने दिया था, वहां पर गाड़ी गाइस मैं यहीं पर रखवा दिया था क्योंकि ख़राब हो चुका है, जल्दी से जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है, चालू नहीं हो रहा और स्कूटी मेरा। सो गाइस, बहुत देर के बाद गाड़ी बन चुका है अब। सो गाइस, गाड़ी बन चुका है, चालू भी हो गया अब। अभी
मजा आएगा ना भिड़ो। सो फ्रेंड्स, स्कूटी बन गई है और अभी मैं आया हूँ सब्जी लेने के लिए मार्केट। तो चलिए थोड़ा सा सब्जी ले लेते हैं घर के लिए। और आज सब्जी मार्केट थोड़ा खाली था। के टाइम इतने ही बजे मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया था क्योंकि इतना ही टाइम स्कूटी ख़राब हुआ था तो बनाने के लिए दिए थे। और रात भर थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था, कल मैं जल्दी भी सो गया था उसी वजह से, नहीं तो 11-12 बज ही जाता है। 10:30 बजे मैं सो गया था कल और फिर आज बन गया तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस, बिना स्कूटी का कुछ काम नहीं होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। कहीं भी व्लॉग शूट करने के लिए जाता हूं तो मैं अपना स्कूटी ले जाता हूं, और मार्केट जाना है या फिर कहीं भी कुछ भी काम रहता है तो बिना गाड़ी का तो होता ही नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फाइनली बन चुका है तो अच्छा लग रहा है। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।